ओके तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का सेकेंड टॉपिक। मनीषा पटेल जी प्लीज अपने वेबकॉम को ऑफ कर लें। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, मणिशंकर जी, मनीषा जी और सुनीता जी। वीकेंड क्लास है और लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम वर्कबुक को हैंडल करेंगे और वर्कबुक एंड फोल्डर क्रिएट करके उसको यूज करने का हमने आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे। आज हम बात कर रहे हैं कि शीट्स, जो वर्कशीट्स हैं, उन वर्कशीट को हम कैसे हैंडल करेंगे। राइट सर, तो वर्कशीट को हैंडल करने का हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप शीट्स के नाम, शीट 1, शीट 3, नेम पहले नेमिंग मेथड को समझते हैं शीट्स की। तो हर शीट का नाम होता है, दो नेम होता है, एक प्रॉपर्टी नेम, दूसरा कैप्शन नेम। प्रॉपर्टी नेम जो ब्रैकेट से बाहर है और कैप्शन नेम जो ब्रैकेट के अंदर है। मतलब कि बाहर जो आपको दिख रहा है, जैसे शीट 1 है, अगर मैंने इसको डेटा कर दिया तो एक कहलाएगा कैप्शन नेम। मतलब कि मैं अपने यहाँ शीट पे, जो हमारा वर्कशीट है, उसमें हमने यहाँ डेटा याद दिया, तो डेटा हमारा हो गया शीट नेम। और जो शीट का, जो पहले वाला शीट 1 है, ये हमारा प्रॉपर्टी नेम हो गया, जिसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी यहां से सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम को सिर्फ चेंज कर सकता है प्रोग्रामर, और डेटा नेम को, इसकी सीट की जो ये है, सीट का जो नाम है उसको चेंज कर सकता है, मतलब कैप्शन नेम को यूजर चेंज कर सकता है और प्रॉपर्टी नेम को सिर्फ चेंज कर सकता है प्रोग्रामर। तो दो नेम होते हैं। हेलो अमित जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस यस आ रही है। अमित जी, ये वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की क्लास है, आप देखिए, आप जॉब कीजिए, अगर आप समझ सके तो समझिए, अगर आपने बेसिक एक्सेल किया होगा तो। फिर हम या क्लास में श्योर आपसे बात करेंगे। अब क्लास मीडियम को आप जॉब, ऑब्जॉर्व कीजिए। अमित जी एज ए डेमो ज्वाइन किए हमारे इस बैच में। तो हर शीट का दो नेम होता है, एक कैप्शन नेम जो बाहर दिखता है और एक प्रॉपर्टी नेम जो इसके अंदर दिखता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपको कैप्शन नेम से कॉल करना है तो कैप्शन नेम से भी कॉल कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी नेम से भी कॉल करना है तो प्रॉपर्टी नेम से कॉल कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले अभी अभी शमिता जी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि लास्ट क्लासेस में जो हमने फाइल क्रिएट करने का जो कोडिंग सीखा था, उसका क्या बेनिफिट है। तो चलिए मैं इसी पॉइंट में आता हूँ कि जो अभी सीखने जा रहे हैं उसका क्या बेनिफिट। जैसे कि कल के डेट में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे, बड़े बड़े रिपोर्ट बनाओगे, तो उसमें आपको फाइल क्रिएट करके डेटा सेव करना होगा। तो फाइल क्रिएट करने के कोड पता होगा, तरीका पता होगा, सेव करने का कोड पता होगा, तरीका पता होगा, तभी तो आप अपने प्रोग्रामिंग में उस कोडिंग को इंक्लूड करेंगे। सेम होती उसी तरह से, अगर आपको एक शीट से दूसरे शीट पे जाना है, शीट को इंसर्ट करना है, शीट को डिलीट करना है, शीट को नेम चेंज करना है, शीट को मूव करना है, शीट को एक नई फाइल में रखना है मेल करने के लिए, तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको वीवीए का कोड पता होगा, तभी तो इसका इस्तेमाल करो। सॉरी सर, तो इसका इस्तेमाल आप, कोड पता होगा तभी तो प्रोजेक्ट में कर पाएंगे। मतलब कि अभी जो मैं आपको 3-4 क्लासेस बता रहा हूं, हम आपको कोड समझा रहे हैं, कोड कंसेप्ट। जैसे कि आप जो इंग्लिश सीखते हैं तो वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, कि मैं आम का इंग्लिश क्या होगा, रोड का, सड़क का इंग्लिश क्या होगा, मंदिर का इंग्लिश क्या होगा,
तभी तो उसको आप सेंटेंस में एक सेंटेंस में ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग सेट करके एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, कई सारे सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, तो कई पैराग्राफ को मिला के एक आर्टिकल तैयार करते हैं। क्या तो हमारा लैंग्वेज का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? वर्ड से होता है ना। तो समझिए कि आप वीबी प्रोग्रामिंग की हुई वर्ड्स को सीख रहे हो, स्टेप्स को सीख रहे हो कि किस चीज के लिए किस तरह का कोड और क्या नियम कानून है। तो चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा मैक्रो बनाते हैं, सब एसएस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं इसमें कि हम यहाँ देंगे कि शीट डेटा डॉट सेलेक्ट। एक कोड क्या करेगा, एक कोड करेगा कि आप कहीं भी रहेंगे, जैसे मैं शीट थ्री पे हूं तो डेटा शीट को एक्टिवेट कर देगा। तो इस यहाँ पे इस चीज को समझिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेंबर हो गया। अगर शीट पे कुछ भी करना है तो इस मेथड को लिखना है और इसके बाद जो करना है उस मेथड को लिखना है। तो मैं आपको शीट का कॉलिंग मेथड समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए। तो शीट्स को कॉल करने का एक तरीका है कि शीट्स, इसके बीच में आपका कैप्शन नेम और आपका एक्शन जो भी है, सिलेक्ट करना, रिनेम करना, कॉपी करना, मूव करना वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका है कॉल करने का कि शीट, यहाँ पे डायरेक्ट आप शीट का प्रॉपर्टी नेम लिख दे कि डीटी डॉट सेलेक्ट। डीटी क्यों लिखा, क्योंकि इस शीट का डीटी नेम है, इसकी प्रॉपर्टी नेम मैंने चेंज कर दी यहाँ पे आके। अगर शीट टू करना चाहोगे तो इसका प्रॉपर्टी नेम और कैप्शन दोनों शीट टू है, तो शीट टू, हाँ सॉरी, शीट टू डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट दोनों लिख सकते हैं आप। तीसरा तरीका है कि सीट्स वन डॉट सेलेक्ट। अभी ये चारों तरीके को समझिए, इसमें तीन तरीका है ना। हाँ, पहला तरीका है सीट का कैप्शन नेम। अगर आपको सीट का नाम पता है जो बाहर प्रिंट होता है, जो कैप्शन नेम कहते हैं, अगर ये प्रिंट होता है तो आप ऊपर वाले मेथड जो है ए वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहां डीटी या सीट टू वाले मेथड को, तो सीट का जो प्रॉपर्टी नेम है उसके जरिए कॉल कर सकते हैं। तीसरा मेथड है सीट का एक क्या बोलते हैं नंबर, सीक्वेंस नंबर, कि पहला मतलब कि पहले पोजीशन पे जो होगा, मतलब कि सीट थ्री को मैं पहले पोजीशन पे मूव कर दिया तो ये पहले पोजीशन को ही सिलेक्ट करेगा, इसलिए हमने शीट का यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दिया। समिता जी, मनीषा जी, मनीशंकर जी, समझ में आया आपको? हाँ। यस सर। एक क्वेश्चन है। पूछिए मनीशंकर जी। सर, अगर मैं शीट, अगर मैं ये शीट वन को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ एक्सेल में जाके, तो क्या उसका सीक्वेंस अपने आप चेंज हो जाएगा? जो पहले पोजीशन को होल्ड कर रखेगा उसी को सिलेक्ट करेगा, समझ गए? चाहे उससे पहले वो डिलीट हुआ हो, हाइड कुछ डिलीट हुआ हो या इंसर्ट हुआ हो, किसी चीज का हुआ उससे मतलब नहीं है, पहला पोजीशन होल्ड होगा उसी पे वर्क करेगा, ठीक है। अब समझिए कि इसका इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया जाएगा। सबसे पहला चीज जानिए कि आपका सीट का नेम फिक्स है, सीट का नेम फिक्स है, जैसे कि समरी, डैशबोर्ड, ऐसे नेम फिक्स होते हैं, डेटा फिक्स होते हैं, तो आप इस कैप्शन नेम को यूज कर सकते हो, समझ गए? लेकिन मान लीजिए कि आपका सीट, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि तो फिर मैं प्रॉपर्टी नेम क्यों नहीं यूज करो, तो अगर सीट आपका फिक्स है और बार बार डिलीट और इंसर्ट होता रहा, जैसे आपने प्रीवियस डेटा को सीट को डिलीट मार के नई सीट को इंसर्ट किया, उसका नाम डेटा डाल दिया, तो उस केस में एक कोड परफेक्टली वर्क करेगा, बट एक कोड परफेक्टली वर्क नहीं करेगा कि जैसे सीट डिलीट होगा, सीट का प्रॉपर्टी नेम
डिलीट हो जाएगा और जब नई शीट इंसर्ट होगी तो उसका प्रॉपर्टी नेम कुछ और होगा, समझ गए? इसलिए हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब मेरा सीट का नेम चेंज होता रहता है, जैसे कि जैन रिपोर्ट, फैब रिपोर्ट, मार्च रिपोर्ट, मतलब कि क्या होता है कि सीट वही होता है, डेटा वही होता है, फॉर्मेट वही होता है, लेकिन क्या होता है कि हर महीने सीट का नाम चेंज करके डेटा को चेंज करते हैं। तो सीट अगर डिलीट नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका प्रॉपर्टी नेम फिक्स है। फिर बारी आती है हमारे सिक्वेंस नंबर की, हमें पता नहीं कौन सा सीट है, कैसा सीट है, हमें पोजीशन से मतलब होता ना कि आप एक फाइल ओपन करना, उसमें जितने भी सीट है सबका डेटा कॉपी करना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि डेटा सीट कितने और किस किस सीट पे कैसे जाना है, उसका प्रॉपर्टी नेम क्या है, उसका कैप्शन नेम क्या है, नो आइडिया। तो उस केस में हम इस सिक्वेंस नंबर को इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर हम काउंट कर लेते कि सीट पांच है तो पहले सीट पे जाओ, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, फिर चौथे पे जाओ, फिर पांचवे पे जाओ, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों ना हो, हम उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको यूज कर लेते हैं। चौथा एक होता है हमारे पास एक्टिव शीट। एक्टिव शीट मतलब कि जो सीट एक्टिवेट है सामने, जैसे एक्टिव फाइल था ऐसे एक्टिव शीट। तो जब भी कुछ करना हो तो एक्टिव शीट का इस्तेमाल करें। तो शीट को कैसे कॉलिंग करेंगे वीवीए प्रोग्रामिंग में समझ में आया, और किस सिचुएशन में किसका इस्तेमाल करेंगे ये भी समझ में आ गया। विदाउट इसमें हेलो चलिए सर, अब सीट पे क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब शीट पे क्या क्या कर सकते हैं, चलिए अब शीट पे क्या होता है, हम शीट को ऐड करते हैं, तो शीट्स डॉट ऐड, एक नई शीट ऐड हो जाएगी, क्योंकि सर बात राइट क्लिक करके ऐड करते हैं ना, उस तरह से एक नई शीट को ऐड कर लेगा। लेकिन जो शीट ऐड हुई है उसका नेम कैसे चेंज होगा, तो एक्चुअली शीट का नेम चेंज, शीट का नेम चेंज करने का मेथड जैसे कि इसमें से कोई ले सकते हैं, जैसे कि हम शीट का कैप्शन नेम ले लें, शीट्स यहां पे डेटा डॉट नेम इक्वल टू जैन, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ऐड की गई शीट का नेम करना, तो यहां पे हमें नहीं पता शीट का नाम शीट वन है, शीट टू है, शीट थ्री है, नो आइडिया, उसका पोजीशन भी नहीं पता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सी यहां पे एक्टिव सीट, कि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है। यहां पे देंगे कि एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू, हमने बोल दिया जैन, लेकिन मुझे सीट ऐड करना है विथ नेम, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा शीट डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू जैन, डायरेक्ट लिख दूंगा, तो मुझे जैन सीट के नाम से ही एड होगा। अब मुझे शीट एड करनी है अपने हिसाब से पोजीशन से, तो जैसे कि हमने लिख दिया यहां पे शीट्स डॉट एड, एड करने के बाद नीचे पूछ रहा है बिफोर एंड आफ्टर, मतलब किस सीट से पहले और किस सीट के बाद, तो मुझे जो ऐड करना है वो तीसरे शीट के बाद ऐड करना है,
अब तीसरा शीट का नाम अगर फिक्स है तो इसमें से नाम दे दीजिए, प्रॉपर्टी फिक्स है तो प्रॉपर्टी दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे ना नाम फिक्स है ना प्रॉपर्टी फिक्स है तो हम यहाँ काउंट देंगे, यहाँ देंगे कि शीट्स, हम यहाँ पे कर दिया थ्री, तो ये बिफोर शीट थ्री हुआ, लेकिन मुझे चाहिए आफ्टर, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा तो बिफोर हमारा स्किप हो जाएगा और आफ्टर में चला जाएगा, और आफ्टर मतलब कि तीसरे शीट के बाद ऐड होगा, लेकिन मैं तीसरे शीट के बाद ऐड नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सबसे लास्ट में ऐड करना, और शीट तो बढ़ते घटते जा सकते हैं, तो मैं इस तीसरे के जगह पे एक फॉर्मूला लगा दूंगा शीट्स डॉट काउंट, ये क्या करेगा कि इस फाइल में उस समय जब एक कोड रन कर रहा होगा जितनी शीट्स होंगे उसका काउंट देगा, और काउंट मिलने के बाद फिर क्या करेगा उतने शीट काउंट करके उसके बाद ऐड कर देगा शीट को, लेकिन एक ही शीट ऐड करेगा, मुझे ऐड करना है ज्यादा शीट, जैसे कि 5 या 10 शीट ऐड करना है, तो काउंट में आप 5 दे दीजिए तो एक बार में वो 5 शीट को ऐड करेगा, तो शीट को ऐड करना और शीट को रिनेम करना समझ में आ गया जी सर। एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए। सर मेरे को शीट ऐड करनी है जैसे सातवें नंबर पे, मेरे पास 10 शीट है। हाँ। आप शीट ऐड करना चाहते हैं सातवें नंबर पे? हाँ जी। हाँ तो यहाँ पे होगा शीट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे बिफोर में दे दीजिए कि शीट्स 8 या आफ्टर 6। सर इसको भी डाइनिंग बना सकते हैं क्या हम 8 नंबर को? क्या इसमें इनपुट बॉक्स डाल के जैसे आपने शीट 8 जो हमने लिखा है सर, इसके जगह पे आप इनपुट बॉक्स डाल दीजिए, इनपुट बॉक्स एंड शीट पोजीशन, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, ये ठीक है। आगे बढ़े। अब शीट ऐड कर दिया, शीट को रिनेम कर दिया, तो शीट को डिलीट करना भी हो सकता है, तो जैसे मुझे शीट 2 को डिलीट करना है तो डॉट डिलीट। अब एक कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कभी शीट 2 ले लेता हूं, कभी शीट्स डेटा लेता हूं, वो शीट की कॉलिंग में तो आपने समझा दिया, एज पर सिचुएशन अपने हिसाब से जो लेना चाहो ले सकते हो, तो शीट 2 डॉट डिलीट, तो जब भी शीट को डिलीट करोगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, मतलब कि आप जब तक डिलीट करते समय इस पे ए आ जाएगा, जब तक आप डिलीट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो शीट को इंसर्ट नहीं करेगा, मतलब तो डिलीट नहीं करेगा, तो इसके लिए मुझे इसके ऊपर देना होगा कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, तो डिस्प्ले अलर्ट को फॉल्स कर देगा, तो सीट आपको डिलीट करते में आपसे पूछेगा नहीं कि क्या है डिलीट करना है नहीं करना है। अगर शीट में डेटा होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा, तब भी नहीं पूछेगा। क्या बोला सर आपने? नहीं सुन पाया। डेटा होगा तब भी नहीं पूछेगा, वो डिलीट कर देगा डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, जैसे अगर डेटा होता है तो डेटा होता है वो तो फाइल क्लोज करने पे पूछता है ना सर। अच्छा शीट क्लोज करने पे नहीं पूछेगा। अब शीट में डेटा है आप नॉर्मल भी डिलीट कर देते, आपको कंफर्मेशन पूछता है ना, ये देखिए ये पूछा ना, तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने अगर बहुत सारे माइक्रो आपने बहुत सारे माइक्रो इस्तेमाल किए हुए ना, कोड लगा हुआ है तो ये रुक जाएगा, सारा माइक्रो आपका रुक जाएगा जब तक कि आपने डिलीट पे क्लिक नहीं करोगे, तो ऑटोमेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है सर। यस सर। क्लियर है? हाँ जी।
चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है इसको जान लीजिए। अब इसमें अगला बात है कि रिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, हाइड भी तो करते हैं। तो शीट वन डॉट शीट वन था हाइडिंग, शीट टू, शीट टू डॉट हम करते हैं विजुअल और इसमें हमने कर दिया एक्सेल शीट हिडन। एक्सेल शीट हिडन करने पे क्या होता है कि ये राइट क्लिक करके आपके शीट को हाइड कर देता है, यहाँ हाइड होता है ना हाइड कर देता है। तो इसको कोई भी इसको अनहाइड कर सकता है। आप चाहते हो कि मेरा शीट कोई भी अनहाइड नहीं करे, मैं चाहता हूं कि हमारी शीट कोई भी अनहाइड ना करे, तो उसके लिए क्या करें? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं शीट भी प्रोटेक्ट ना करूं और कोई अनहाइड भी ना करे। तो उस केस में आप जो यहां लिखेंगे कि शीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल शीट वेरी हिडन। तो ए वेरी हिडन होने के बाद अब वीबीए कोड या वीबीए प्रॉपर्टी से ही अनहाइड किया जाएगा। समझे? और वापस अनहाइड करना है तो शीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू हेरिस्ट विजुअल। तो शीट को हम अनहाइड करना भी सीख लिए। अब बात करते हैं शीट को कॉपी करना, जैसे कि हम लोग अपने एक्सेल शीट में करते हैं ना कि इसी के कॉपी कंट्रोल प्रेस करके हम लोग इसी को ड्रैग कर देते हैं, कॉपी बन जाता है। या फिर शीट यहां पर है तो उसको उठा के हम यहां मूव कर देते हैं। तो मूव एंड कॉपी को समझिए। तो शीट टू को या मान लीजिए डीटी को ही, डीटी शीट को मुझे कॉपी करना है। तो हमने यहां पे कॉपी किया, तो कॉपी किसके बाद करना है? जिस शीट के बाद आप करना चाहते हो उसका यहां पे आपको देना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा और भी शीट स्टाइल। तो यहां पे देंगे शीट्स और यहां देते हैं हम डेटा। जैसे अगर मूव कर रहे हो तो डीटी डॉट मूव, किसके बाद मूव करना चाहते हो? तो शीट्स हमने यहां बोल दिया शीट थ्री, लेकिन मैं चाहता हूं मूव करना, मैं चाहता हूं मूव करना एक नई फाइल में, तो या कॉपी करना चाहता हूं एक नई फाइल में, तो कॉपी कीजिए तो एक नई फाइल में कॉपी हो जाएगी, मूव कीजिए तो एक नई फाइल में मूव हो जाएगी, वही फाइल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, याद है आपको क्या करना है, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज और यहां पे आप अपना पाथ दे देंगे, ठीक है? क्योंकि हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है सर। अब शीट को हमने क्या कर लिया, हमने शीट ऐड कर लिया, शीट रिनेम कर लिया, शीट डिलीट कर लिया, शीट को हाइड अनहाइड कर लिया, शीट को कॉपी एंड मूव कर लिया। अब बात होती है शीट को प्रोटेक्ट करना। तो शीट वन डॉट या शीट वन है शीट टू डॉट प्रोटेक्ट और इसके अंदर इसमें पासवर्ड डाल दो, शीट प्रोटेक्ट हो जाएगा।
पासवर्ड डालने के बाद यहाँ बहुत सारे आपको लिंक है, इसमें ट्रू फॉल्स देना है। मतलब कि जब आप सीट को पासवर्ड डालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सारे चेक बॉक्स है ना, तो अगर किसी पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे आपको क्लिक रखना है तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, क्लिक नहीं रखना है तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यही आपका यहां पे है। वापस अगर अनप्रोटेक्ट करना है तो c2.unprotect और यहां पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। और लास्ट हम सीट को क्या करते हैं, सीट को करते हैं कि c2.tabcolor, हमारा जो टैब डॉट कलर यहाँ पे टैब कलर होगा, टैब डॉट कलर डॉट इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू आप दे सकते हैं। अनदर कलर के लिए हम आपको कलर मेथड आगे सिखाएंगे। तो फिलहाल आप सीट पे और क्या करते हैं सर, तो इस सीट पे डायरेक्टली सीट करेंगे, एक्सपी फाइल आपका उसी फाइल की सीट पे करेंगे। मान लीजिए किसी और फाइल को करना होगा तो पर्टिकुलर फाइल को करना पड़ेगा। सीट के ऊपर बात करें, हमने बोला sheet.actually, अगर मान लीजिए कि मैं दूसरे फाइल पे, जैसे कि मैं बुक टू पे, मान लीजिए कि मैं बुक टू पे हूं, तो मुझे बुक टू पे हूं तो मुझे बुक टू से बुक वन के सीट डेटा सीट को सिलेक्ट करना है। तो आपको इससे पहले लिखना पड़ेगा कि वर्क बुक, और इसमें उस फाइल का नाम बुक वन डॉट xlsx डॉट नहीं ना डॉट xlsx या xlsm जो भी आपका एक्सटेंशन है डॉट एक्टिवेट, उसके बाद डेटा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया सर आप लोगों को? जी सर। तो शीट की एक कॉलिंग मेथड जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, अब बाकी आती है रेंज की। बता रेंज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसको समझिए कि एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज किस चीज का होता है, मतलब सबसे ज्यादा काम आप किस पे करते हैं, रेंज पे करते हैं। कि जब तक रेंज आपका है, रेंज पे ही आप क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, रेंज को ही कॉपी करते हैं, रेंज पे ही पेस्ट करते हैं, और रेंज पे ही आप फिल्टर लगाते हैं, पिवट लगाते हैं, जो भी होता है वो आपका रेंज पे होता है। ठीक है सर, तो जो भी होता है रेंज पे ही होता है। तो रेंज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रेंज पढ़ने से पहले सीट को आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर ले। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में ज्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो आज हम रेंज को यहीं पे, सीट को पढ़ के यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। और कल की क्लास में हम आपके साथ रेंज के बारे में बताएंगे। तो आप जो है तीनों पढ़ लीजिएगा, वर्कबुक पढ़ लीजिएगा, रेंज पढ़ लीजिएगा, और शीट पढ़ ही चुके हैं। तो फिर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे। तो आपको छोटे छोटे काम बताना मैं शुरू करूंगा, जैसे कि रेंज की फॉर्मेटिंग हो गई, डेटा कॉपी पेस्ट हो गया, फॉर्म क्रिएशन हो गया, डेटा सेंडिंग हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वीवीए से ऑटोमेटिकली काम कैसे होता है। ठीक है,
सुविधा जी, मणिशंकर जी को डाउट, आप लोगों का प्रीवियस क्लास से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पिछले हफ्ते यूट्यूब पे डाल दिया था, तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए क्लास, ठीक है, बीबीए क्लास की वीडियो।